हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली रेलवे की तरफ से यहाँ पे कैलेंडर जो है जारी हो चुका है, और ये जो कैलेंडर है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी RRB गुवाहाटी के ऑफिशियल साइट पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा जो है PDF यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी एग्जाम के लिए आपको डेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो यहाँ पे कैलेंडर है इसमें आपका RRBJEE के लिए जो कि मोस्ट वेटिंग वैकेंसी था उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेलवे LP आपकी यहाँ पे आपकी जो साल के शुरू में आ जाएगा, जनवरी और मार्च के बीच में, अप्रैल से जून में टेक्नीसियन, और उसके बाद से जुलाई सेप्टेम्बर में आपका ये RRBJEE की वैकेंसी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं RRBJEE की वैकेंसी यहाँ पे आ गया है, और NTPC की भी वैकेंसी जुलाई से सितंबर में आएगी, और जो ग्रुप डी है वो आपके साल के लास्ट में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये आपकी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी। तो ये यहाँ पे रेलवे ने पूरा अपने एनुअल कैलेंडर जो है यानी कि वार्षिक जो है कैलेंडर यहाँ पर जारी हो चुका है। जैसे कि SSC में आप देखते हैं कि SSC में पूरा साल भर का कैलेंडर होता है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम कराया जाता है, तो रेलवे भी ये जो है नया पैटर्न जो है फिर से शुरू किया है। और एक के आप मान सकते हैं कि आपको ये हर साल जो है अब रेलवे में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब 3 से 4 साल 5 साल का आपको वेट जो है नहीं करना पड़ेगा, जो भी वैकेंसी होगी वो आपको हर साल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फाइनली आ गया है, तो आप तैयारी में अलग जाइए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी RPF की रही बात, तो RPF की वैकेंसी भी आपको जल्द देखने को मिलेगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके रिगार्डिंग में कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी आ ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।